विश्व की नंबर एक महिला युगल खिलाड़ी सानिया मिर्जा और हॉलीवुड में तहलका मचा रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा समेत कई भारतीय लोगों को विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के अपने 13वें वार्षिक समारोह में शुमार किया है। विश्व की नंबर एक महिला युगल खिलाड़ी सानिया मिर्जा और हॉलीवुड में तहलका मचा रही बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में अपने 13वें वार्षिक संस्करण में शुमार किया है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें स्थान नहीं मिला है। टाइम मैगजीन ने अपने 6 कवर पर 7 हाई प्रोफाइल लोगों की तस्वीर छापी है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी शामिल है। प्रियंका के अलावा ऑस्कर विजेता लियोनार्डो डिकैप्रियो, निकी मिनाज, मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान, हैमिल्टन स्टार लिन मैनुअल मिरांडा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टियन लेगार्ड को टाइम के कवर पर जगह दी गई है। सानिया गत वर्ष विश्व की नंबर 1 युगल खिलाड़ी बनी थी और उन्होंने विंबलडन और यूएस ओपन के रूप में 2 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे और इस साल भी उन्होंने अपने जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम हैट्रिक पूरी की। टेनिस स्टार को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और हाल ही में उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। प्रियंका चोपड़ा के ताज में एक और सुनहरा नगीना चढ़ गया है। इस लिस्ट में शामिल होने पर प्रियंका ने कहा कि वे खुशी और गर्व महसूस कर रही हैं। गौरतलब है कि प्रियंका इस समय बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी छाई हुई हैं। गायन के क्षेत्र में भी उन्होंने हाथ आजमाया है और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण कर रही हैं, जिसे देखते हुए उन्हें इस लिस्ट में शामिल करना तो बनता ही था। वहीं इस बार 31 लीड्स की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। भारत से केवल RBI के गवर्नर रघुराम राजन का ही नाम इस कैटेगरी में है।